हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग कुछ कॉमन वर्ड मीनिंग के बारे में देखेंगे, जैसे कि चौराहा, तिराहा और नाली। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सबसे पहली मीनिंग आती है हमारी सड़क। सड़क को बोलते हैं हम रोड, जिस पे हम चलते हैं वो क्या होता है, रोड, सड़क। फिर आता है हमारा यातायात संकेत। यातायात संकेत या ऐसे बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल, जो हमें चौराहे पे देखने के लिए मिल जाता है। फिर आता है चौरा रास्ता। चौरा रास्ता जिसे बोलते हैं एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे यह खूब बड़ा रोड होता है, खूब बड़ा रोड होता है जी। फिर आता है गतिरोधक। गतिरोधक स्पीड ब्रेकर, जिसे बोलते हैं स्पीड ब्रेकर, ये गाड़ी जो होती है ना उसके लिए यूज किया जाता है स्पीड कम करने के लिए। फिर आता है फुटपाथ, जैसे बोलते हैं पेवमेंट या फिर साइड वॉक, जिस पे हम पैदल चलते हैं रोड के किनारे जी देखने के लिए मिलता है हमें पेवमेंट। फिर आता है राजमार्ग, जिसे बोलते हैं हाईवे। राजमार्ग जिसे हम क्या बोलते हैं, हाईवे। फिर आता है हमारा गोल चक्कर। गोल चक्कर इसे बोलते हैं राउंड अबाउट। राउंड अबाउट ये सिग्नल के पास हमें देखने के मिल जाता है। फिर आता है भाजक यानी डिवाइडर, एक रोड को बीच से काटने के लिए यानी दो हिस्सों में बांटने के लिए डिवाइडर का यूज किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे बोलते हैं नेशनल हाईवे। सबसे बड़ा हमारा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 44। फिर आता है उबड़ खाबड़ सड़क, जिसे बोलते हैं बम्पी। उबड़ खाबड़ को क्या बोलते हैं, बम्पी बोलते हैं। जो खराब रोड होता है ना उसे बोलते हैं बम्पी। फिर आता है गली की बस्ती। गली की बस्ती इसे बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट जो कि गली में जो बत्ती लगी रहती है ना उसे बोलते हैं। फिर आता है तिराहा, इसे बोलते हैं थ्री वे जंक्शन या फिर थ्री वे इंटरसेक्शन। जब तीन रोड आकर एक जगह पर मिल जाते हैं ना तो उसे बोलते हैं तिराहा। फिर आता है जेवरा पट्टी, जब हम रोड क्रॉस करते हैं ना तभी इस्तेमाल करते हैं जेवरा पट्टी का, व्हाइट कलर का, वो आप तो देखने के लिए रोड पर मिल जाएगा, इसे बोलते हैं जेवरा क्रॉसिंग, जेवरा क्रॉसिंग। फिर आता है तंग रोड, यानी कि तंग रोड को बोलते हैं लेन। लेन जो तो प्लेन रोड होता है और बहुत अच्छा ये रोड होता है। फिर आता है मार्ग शुल्क। मार्ग शुल्क इसे बोलते हैं टॉल या फिर टूल भी बोला जाता है, तो यहाँ पे नाम है टूल कटवाना पड़ता है अपना। फिर आता है गली। गली ना गली तो बोलते हैं हम लोग स्ट्रीट, यानी जो मोहल्ले वोल्ले में जो गली होती है ना उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं। फिर आता है चौराहा। चौराहा क्या बोलते हैं, क्रॉस रोड, जब दो रोड आपस में जब टकरा जाती है ना, एक दूसरे काट देती हैं, क्रॉस कर देती हैं, तब बनता है हमारा चौराहा। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा रोड या फिर टेढ़ी मेढ़ी सड़क, जिसे बोलते हैं जिग जैग। क्या बोलते हैं, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा। फिर आता है तल मार्ग। तल मार्ग यानी कि नीचे से रोड जाता है और ऊपर से ट्रेन निकलती है, तो उसे बोलते हैं अंडर पास, अंडर पास। फिर आता है ढक्कनदार बड़ा गड्ढा, जिसे बोलते हैं मैन होल। मैन होल यानी जो पाइप ठीक होते हैं ना पानी आने के, तो इसी से होते हैं। पदयात्रा। पदयात्रा जब कोई इंसान ना पैदल जब जाता है ना तो उसे बोलते हैं पदयात्रा, यानी पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन। बंद गली या फिर सड़क। बंद गली या फिर सड़क जिसे बोलते हैं डेड एंड, एक तरफ गली बंद होती है उसे बोलते हैं डेड एंड। फिर आते हैं नाली। नाली को बोलते हैं हम इंग्लिश में ड्रेन। ड्रेन जो नाली होती है ना, नाली को हम बोलते हैं ड्रेन। फिर आती है भूल भुलैया। भूल भुलैया यानी कि लेबरेंट, 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 ठीक है समझ रहे हो ना, लेबरेंट। फिर आता है मील का पत्थर यानी कि माइल स्टोन, ये ना हमें दूरी के बारे में बताता है कि हमने कितना सफ़र तय कर लिया या फिर हमें अभी कितनी दूरी तय करनी है। फिर आता है डामर। डामर तो बोलते हैं एसफेल्ट, एसफेल्ट, एसफेल्ट बोलते हैं डामर को, जिस सब्सटेंस होता है जो रोड के ऊपर डाला जाता है, एसफेल्ट।